तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि आने वाले समय में भारत के विमानों क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा विकास होने वाला है क्योंकि अई हाल ही में भारत के जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं वो भी अमेरिकन और इसके अलावा फ्रांस का कंपनी एयरबस और बोइंग को इसको लेकर भारत की तरफ से कम से कम अभी ए प्लेन के ऑर्डर दे दिए गए हैं जो कि विश्व में अब तक के सबसे बड़ा अंडर भारत की तरफ से प्लेस किया जा रहा है एक साथ भारत 200 बिलियन डॉलर के आसपास के हवाई जहाज खरीदने वाला है परंतु भारत सरकार की ऐसे समय में और इतने बड़े ऑर्डर को देते समय में एक बड़ी महात्माकांक्षा है और वह यह है कि इन जहाजों को हम सीधा विदेशों से ले लेंगे तो भारत को कोई फायदा नहीं होगा ना तो भारत को इन जहाजों को खरीदने से रोजगार मिलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का लाभ हम ले पाएंगे क्योंकि विदेशी कंपनियां इन जहाजों को बनाने की जो तकनीक है वह भारत को देना ही नहीं चाहता है तो भारत ने सोचा हम 200 सो बिलियन डॉलर हम फ्री में क्यों फूंक दें और भारत को यह जहाज भी नहीं मिल पाएंगे परंतु भारत सरकार यह चाहती है कि भारत को यह जहाज तो मिले साथ में एक फाइनल असेंबली लाइन भी हो भारत के अंदर भी इन जहाजों को कंपनियां बनाने की खोली जाए जी हां आप सभी ने सही सुना अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि बोइंग और एयरबाज जैसी कंपनियों का एक दाव भारत की सरकार के साथ फंस गया है क्योंकि भारतीय सरकार चाहती है यह कंपनियां इतने बड़ी संख्या में भारत को जब अपने विमान बेचेंगे तो अपने विमानों को इनको भारत में ही बनाना होगा जिससे भारत में सबसे पहले तो रोजगार उत्पन्न होगा इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब भारत के अंदर मैन्यूफैक्चरिंग करेंगे तो भारत के वैज्ञानिक को जहाज बनाने की तकनीकी विशेषज्ञता हासिल हो पाएगी जिससे भारत आगे आने वाले समय में खुद के ऐसे ही परिवहन करने वाले बड़े बड़े विमानों को भी बना सकता है फिलहाल में भारत की तरफ से आने वाले समय में कम से कम दो हज़ार ऐसे प्लेन का ऑनऑर्डर देने की संभावना है आने वाले बीस साल के अंदर इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इन जहाज़ों की फाइनल असेंबली लाइन भारत के अंदर भी लगाई जाए और यह जहाज़ को भारत में ही बनाया जाए आप सभी को क्या लगता है और भारत सरकार जो फैसला ले रही है कि इन जहाजों को इतनी बड़ी संख्या में खरीदने के साथ साथ इन जहाजों की तकनीक भी भारत को मिलने चाहिए और ए जहाज भारत के अंदर बननी चाहिए तो क्या भारत सरकार का यह फैसला सही है या फिर गलत कमेंट बॉक्स में जरूर लिख